नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल ट्रचिंग ग्राउंड, कचरा खंती में लगी भयानक आग। आठनेर और आमला से बुलाई गई फायर ब्रिगेड। मुल्तानी नगर के मासोद रोड स्थित नगर पालिका की कचरा खंती में बुधवार सुबह भयानक आग लग गई। जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तो आठनेर और आमला की फायर ब्रिगेड बुलाई गई। बताया जा रहा है कि कचरा खंती में हजारों टन कचरा जमा है, जहां महीने दो महीने में आग लगती रहती है। बुधवार सुबह लगी आग ने पूरी कचरा खंती को अपने आगोश में ले लिया, जिसे बुझाने नगर पालिका की दोनों फायर ब्रिगेड सुबह से ही प्रयास कर रही थी, लेकिन कचरा खंती में पीछे की ओर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था, जिससे फायर टीम को काफी समस्या हो रही थी। रास्ता बनाने जेसीबी मशीन का भी इस्तेमाल किया गया, फिर भी आग पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की कचरा खंती के पास ही एक पेट्रोल पंप सहित स्कूल भी संचालित हो रहा है। कचरा खंती में लगी आग पर काबू पाने चार फायर ब्रिगेड से देर शाम तक पानी की बौछार की गई, फिर भी पूरी तरह से आग नहीं बुझ पाई है। नगर पालिका की दो दो फायर ब्रिगेड होने के बाद भी आठनेर और आमला की फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, जो दिन भर आग पर काबू पाने की कोशिश करते रही। सही समय पर अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो शायद बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगती। दिन भर स्वच्छता विभाग के कर्मचारी कचरा खंती की आग बुझाने का प्रयास करते दिखाई दिए। संवाददाता युवराज पोटफोले की रिपोर्ट। बताएं, स्वच्छता प्रभारी नगर पालिका। ये जो टिंचिंग ग्राउंड में कल से आग लगी है, इस पर बुझाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। हाँ, इसमें जो है ना, हमारे टेंचिंग ग्राउंड में जो है अज्ञात कारण से आग लग गई थी, जिसको बुझाने के लिए नगर पालिका मुलताई की दो फायर ब्रिगेड और आमला की और साथ ही आठने की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, जिसमें काफ़ी मशक्कत के बाद में अंगार को बुझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अंदरूनी अंगार जो लगी है उसको भी हम बुझाने का भी पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने जेसीबी को भी आई है, जेसीबी जैसे जेसीबी आ जाती है उसको फिर से बुझा रहे हैं।